नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ तथा नेत्र शिविर नागरिक सेवा समिति सिंधी समाज गंज वासौदा के संयुक्त तत्वाधान में आज विशाल निशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। समिति विगत 44 वर्षों से नेत्र शिविर आयोजित कर रही है और अतिथियों द्वारा नेत्र शिविरों की सराहना की गई एवं नेत्र रोगियों को विशेष रूप से इस शिविर का लाभ लेने की अपील की गई। गंज बासौदा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। गंज बासौदा उदयपुर से बासौदा की ओर जा रहे तेज गति से ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंज वासौदा अस्पताल लाया गया जहां पर उसका उपचार जारी है। अस्पताल में भर्ती घायल युवक चंद्रेश दुबे ने बताया कि वह लाइनमैन है और उसका साथी ब्रजेश मालवीय उसके साथ में काम करता है। गंज वासौदा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। उदयपुर से बावली के निवासी हैं, उदयपुर से बरोदिया जा रहे थे जी। मैं लाइनमैन हूँ, वो लाइन का काम करता था। वो एक ट्रक आया सामने से और टक्कर मार दी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए त्रिदिवसीय बाल विकास व्यक्तित्व शिविर दिव्य उड़ान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथिगण उपस्थित रहे। ग्वालियर से अनुप पांडे की रिपोर्ट। खंडवा जिले से लगा गांव सुक्ता, जहां परंपरा के अनुसार वर्षा ऋतु के आगमन का संदेश देने के लिए बालिकाएं घर घर जाकर दान दक्षिणा मांगकर खाना घर के बाहर बनाती हैं और वर वधु के रूप में महादेव गौरा पार्वती का जोड़ा बनकर गांव में आती हैं, जो कई वर्षों से वर्षा ऋतु के आगमन का संदेश माना जाता रहा है, ताकि खेत खलियान हरे भरे रहें। खंडवा से चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।